गुरुजी, मेरा प्रणाम आपको। गुरुजी, आपने जो मंत्र बनाया था वो वाकई ही बहुत अच्छा था, कारीगर था, और उस मंत्र से मेरे को बहुत चमत्कार देखने को मिले। पर गुरुजी, अब वो जो है मेरी गर्लफ्रेंड, वो अब दोबारा से मुझसे दूर हो गई है। अब वो किसी और के 30 साल लड़के के साथ रहती है। एक्चुअली में हम स्टूडेंट हैं तो हम एक ही क्लास में रहते हैं, तो वो मुझसे बात नहीं करती। उसने मतलब बिल्कुल मेरे से दूर दूर रहती है, मेरी तरफ देखती नहीं, और हमेशा गुरुजी उस लड़के के साथ रह सकते हैं। गुरुजी, अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। गुरुजी, ऐसा कुछ मंत्र बता दीजिए, ऐसा कुछ बता दीजिए, आप पे तो बहुत शक्ति है गुरुजी, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे वापस ला के दे दीजिए, वो मेरे साथ पहले से रिलेशनशिप में आ जाए, मेरे साथ रहे। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, रिप्लाई कर दीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मुझे ये क्वेरी मिली और इसमें जो है ये पूछते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि मैं किसी को भी मोहित कर सकूं। और ऐसे मंत्र मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, आपको एक से एक बेहतरीन मंत्र मिल जाएंगे। लेकिन आज जो इनकी क्वेरी है कि इनको कोई ऐसा मंत्र चाहिए जो कि कुछ ही दिनों में, पल भर में काम कर जाए, तो ये मेरा अनुभूत मंत्र है जो कि लगभग बचपन में मैंने किया था, और देखते ही देखते इसने ऐसे चमत्कार कर दिए कि बस पूछिए ही मत। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का, किसी भी रिलेशन में मनमुटाव हो, कोई आपका जो साथी है वो रूठ कर कहीं जा रहा हो, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो कि कुछ एक लोगों को पता होगा, या फिर यूं कहिए कि आप उनको उंगलियों पर गिन सकते हैं। जीवन की जो भागदौड़ है वो स्कूल जाना, स्कूल के बाद नौकरी पाना और फिर मर जाना, बस इसी में जो है आम जनता जो है वो इसी चक्कर में फंसी रहती है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है, जो असल में जो विद्या है, वो कुछ और ही है। ये जितने भी आपने स्कूल कॉलेजेस देखे हैं, इनमें सिर्फ आपको एक एम्प्लॉय बनाने के लिए पढ़ाई की जाती है, आजकल की जो पढ़ाई है। लेकिन जो हमारी वैदिक पढ़ाई थी, जो हमारा पुरातन काल था, उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि नाना प्रकार की विद्याएं जो है सिखाई जाती थी। और जो हमारा प्राचीन भारत था, उसमें तंत्र जगत का बोलबाला था, चारों तरफ बस हमारे भारत का ही नाम था, और हमारे जैसा तंत्र किसी और देश को नहीं आता था, क्योंकि उस समय जो है सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागा करते थे, उस समय विद्या के पीछे भागा करते थे। और कुछ ऐसे पांडुलिपि मिली हैं, कुछ ऐसे ताड़पत्र मिले हैं, कुछ ऐसे ताम्रपत्र मिले हैं जिनमें कि आज भी वो ज्ञान जो है वो समेट कर रखा हुआ है। लेकिन उन तक पहुंचना आम आदमी के बस की बात नहीं। और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर कि सिर्फ एक साधक ही जा सकता है। वो जो जैसे आप मान लीजिए, अगर आपका मन करे तो आप मनाली चले जाएं, आपका मन करे तो आप दिल्ली घुमाएं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो कि आम आदमी से छुपा के रखी गई हैं। चाहे कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा आईपीएस ऑफिसर क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े ओहदे पर हों, लेकिन उस जगह का पता सिर्फ कुछ साधकों को ही है। वहाँ पर सिर्फ वही जा सकते हैं। आप लाख कोशिश करें, लाख उसे ढूंढें, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्थान भी हैं जो कि आम जनता से छुपा के रखे गए हैं, और जब तक आपके मन की शुद्धि नहीं हो जाती, जब तक आप इसमें निपुण नहीं हो जाते तंत्र में, तब तक आप उस जगह को खोज नहीं पाएंगे। और यूँ समझिए कि वो स्वर्ग है, वहाँ पर आपकी आयु नहीं बढ़ेगी, आप कितने भी दिन वहाँ पर जी सकते हैं, मृत्यु लोक से परे है। यदि आप वहाँ रहते हैं तो आप अपनी इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। चलिए, मैं तो टॉपिक से बाहर निकल गया, तो मैं आपको आज एक मंत्र देता हूँ। तो ये किसी को वशीभूत करना, आकर्षित करना, ये छोटी मोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
आप एक दो साल में अगर साधना करें तो ये सीख जाते हैं और किसी को भी चलते चलते मोहित कर सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो असली रस है, जो असली ज्ञान है, वो है अपने आप को जानना, कुंडली शक्ति अपनी जो है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है उसको जागृत करना। इसके बाद जो मनुष्य है वो परमानंद की स्थिति में चला जाता है। और ये किताबी कोरी कल्पनाएं नहीं है, ये आप महसूस कर सकते हैं। यदि कोई गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए और वो आपको ये सब सिखाए, तो आप ये सीख सकते हैं और एक ऐसा आयाम पा सकते हैं जो कि इसको वर्णित नहीं किया जा सकता। इसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा। एक बार वहाँ पहुँचे अर्थात आपने अपने जीवन में जो पाना था वो सारा पा लिया। इस मृत्यु लोक में आने से पहले कुछ ऐसे दस्तावेज हमें साइन करके आने होते हैं कि इस बार मैं जाऊंगा तो अपने आप को जानकर ही वापस आऊंगा। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की मोह माया में पढ़कर वो सब कुछ भूल जाते हैं और हमारा जो जीवन है ये सिर्फ पैदा होना और मरना नहीं है। ये जो जीवन हमें अमूल्य जीवन मिला है, इसमें हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है, उसको जानना है। जीवन का परम सत्य यही है कि आप अपने जीवन काल में उस परमात्मा तक पहुंच जाएं और अपने आप को जान पाएं। परमानंद की स्थिति में पहुंचने के लिए आपको ये जीवन मिलता है। इस मृत्यु लोक से बाहर निकलने के लिए आपको ये जीवन मिलता है, जिससे कि आप दोबारा यहाँ पर ना आए। लेकिन आप देख रहे होंगे भीड़ जो है वो लगी हुई है अपने ही कामों में। एक बार धरती पर जन्म ले लिया, मतलब कि स्कूलिंग, फिर पता नहीं क्या क्या, तो ये सब माया है। इससे हमें बाहर निकलना है। लेकिन फिर भी जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं वो ऐसी आती हैं कि उन्हें माया में ही फंसना है। तो यदि आपका इस जन्म का यही उद्देश्य है कि आप माया में फंसना चाहते हैं, तो अच्छे से फंसिए। आप वो सब सीखिए जो कि आप जो भी सीखना चाहें, एक ये भी रास्ता है, एक वो भी है। तो हर किसी की जो मति है वो गति की तरफ नहीं हो सकती। तो आज का जो मंत्र है, ये लगभग जब मैं छठी सातवीं में था तब मैंने किया था और बहुत ही प्रभावी था। इसके असर देखकर मैं खुद अचंभित हो गया था और इसी मंत्र ने मुझे तंत्र की तरफ अग्रसर किया। बहुत ही पावरफुल मंत्र है और इस मंत्र में मुझे कुछ शक्तियों की आवाज़ आई थी जो कि मुझे कह रही थी कि अमुक की जगह उसका नाम बोलो। मंत्र है ओम नमो त्रिजट लंबोदर वद्वत, साथी का नाम आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। तो इसमें आप अमुक की जगह अपने साथी का नाम बोलिएगा और सुबह शाम जब भी समय मिले 108 की संख्या में इसका जाप करते रहिए। 21 दिनों तक ये साधना कीजिए तो इच्छित व्यक्ति, आप किसी भी इच्छित व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको रखनी होंगी कि जब भी ये साधना प्रारंभ करें तो एक ऐसा कमरा बनाएं जहां पर कि आप अकेले हों, एकांत हो बिल्कुल, और जब भी आप ये साधना करें तो कोई भी आपको देख ना रहा हो। और जब भी समय मिले बस इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए और एक हफ्ते या फिर एक महीने के भीतर आपको इसका असर दिख जाएगा। मुझे लगभग 21 दिनों में दिख गया था। तो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, वो जो समय था, एक अद्भुत शक्ति थी उस समय जो कि इन चीज़ों को समझाए नहीं जा सकता। जिस तरह से एक सुगंध आपके चारों तरफ हो और
आप जो दृश्य देख रहे हैं वो भी अलग हों, और मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन जो भी था बहुत बढ़िया था। इस मंत्र के साथ आपको अलौकिक अनुभव होंगे, तो जो मेरे थे वो मैं बयां नहीं कर सकता, क्योंकि उनको बयां किया नहीं जा सकता, वो महसूस किए जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com, या मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9982416625 पर। धन्यवाद।